हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। डियर डायरी, वी थॉट वी वर ऑन अ फूड हंट, टर्न्स आउट वी वर इन फॉर अ सरप्राइज ट्रीट। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सीरीपुर में जितने भी सारे फूड हैं। एक्चुअली ये वीडियो ना हम घर आने के कुछ टाइम पहले बनाए थे, बट हम पोस्ट थोड़ा लेट कर रहे हैं। हम अभी निकल चुके हैं, तो चलिए हमारे साथ। हमारे जो अभी अपकमिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। फाइनली हम उतर चुके हैं एंड सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं पानी पूरी। सबसे पहले तो हमें पानी पूरी का ही स्टॉल दिखा, तो हमने सोचा कि पहले इसी को ही ट्राई करते हैं एंड देन बाकी अलग कुछ हम ट्राई करेंगे। वैसे इससे पहले भी ना हमने सीरीपुर के ऊपर ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया है, आपने अगर देखा नहीं है तो वो भी चेक कर सकते हैं। आज तो काफी अच्छी धूप निकली थी, बट सडनली ना वेदर पता नहीं कैसे ही चेंज हो गया। बट लेट्स सी, आई होप वेदर खराब ना हो। अभी पानी पूरी खाने के बाद ना हम थोड़ा आगे चलते फिरते हम गए एंड हम पहुंच गए इस प्लेस में। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। चारों तरफ देखने के बाद हमारी नज़र पड़ी टिक्की चाट वाले स्टॉल पे। एक्चुअली बहुत पहले भी ना हम यहाँ पर खाया करते थे, मेरी बहन को अच्छा लगता है, तो देखते हैं अभी भी टेस्ट वैसा है या थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आप सब अगर इस आसपास के एरिया से हैं देन आप सबको तो पता ही होगा यहाँ पर मतलब OUT के पास ऐसे बहुत सारे फूड स्टॉल वगैरह लगते हैं। तो आप यहाँ पर उतर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे, तो आप अपने पसंद के कुछ भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। वैसे हर स्टेट में तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है एंड कुछ मतलब स्पेशल या पॉपुलर स्ट्रीट फूड होता है। वैसे आपके ओपिनियन में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। चलिए फाइनली हमारी टिक्की चाट भी रेडी हो चुकी है एंड अभी इसे टेस्ट करते हैं। एंड मेरी बहन ने इसे टेस्ट किया, उसने कहा ये ठीक ठाक है, एवरेज है ये। ये खाने के बाद पहुंच गए हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप में एंड हम इस प्लेस में अभी आए हैं। अभी हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का आलू चप, समोसा एंड पनीर रोल। यहाँ पर हमें ये सब अच्छा लगता है इनका, तो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं जब भी आते हैं। वेदर तो काफी अच्छी थी, काफी अच्छी धूप भी निकली थी, बट सडनली पता नहीं कहाँ से बारिश होने लगी। हमें तो बहुत कुछ ट्राई करना था, बट हमने थोड़ा ही कुछ ट्राई किया एंड देखते हैं बाकी और क्या हो सकता है। फिलहाल तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एंड हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं लाइक कुछ स्टिक वगैरह, तो हमने सबसे पहले वही किया। यहाँ पर ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, बट हमने यहाँ पर बस लिया पनीर और मशरूम स्टिक। हमें ना यहाँ पर जो टेस्ट किया हमें ना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा एंड ऊपर से हमने ना यहाँ पर पोटैटो टोर्नेडो भी लिया था, तो वो भी हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आई थिंक अगर आगे जाके थोड़ा देखते तो आई थिंक अच्छा हो सकता था। हम जब यहाँ पर पहुँचे थे ना, इनका ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी तो नहीं था, थोड़ा टाइम लग गया, तो हमें काफ़ी टाइम यहाँ पर वेट भी करना पड़ा था। ये वाला प्लेस ना यहाँ पर जो कैफे है उसके पास में ही ये स्टॉल है एंड पहले भी हम जब यहाँ आए थे ना, तब हम वहाँ पर कैफे में भी हमने कुछ फूड ट्राई किया था, तो वो आप हमारे पहले वाले सीरीपुर वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। हमने ना बहुत सारे प्लेसेस में पोटैटो टोर्नेडो या फिर आप स्पाइरल पोटैटो बोल लीजिए हमने ट्राई किया है, बट इस वाले प्लेस का ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम तो दोबारा ट्राई नहीं करने वाले हैं। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन डू सपोर्ट अस। हम जो स्पाइरल पोटैटो खा रहे थे ना, फिर हमें मन किया कि यहाँ पर चिकन पॉपकॉर्न भी है, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, बट वो भी ना हमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सब जब हम खा रहे थे ना, फिर ना थोड़ी ज़ोर से ही बारिश स्टार्ट हो गई, तो हम वहाँ से तो निकल गए। हमने सोचा कि जल्दी जल्दी हम जाते हैं, कुछ अगर ऑटो वगैरह मिलता है तो हम डायरेक्टली रूम ही चले जाएंगे। हम जाते जाते आपको दिखा देते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे, हमने सोचा भी था बट अनफॉर्चुनेटली ट्राई करने तो होगा नहीं बिकॉज बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम सोच कर ही आए थे कि हम कितना कुछ और भी ट्राई करेंगे, बट फिर से कुछ हुआ नहीं, हमारा तो मूड बिल्कुल ऑफ ही हो गया था। हम तो सोच रहे थे कि जल्दी ही निकल जाएंगे, बट हम जल्दी निकले भी कैसे, क्योंकि कोई भी मतलब ट्रांसपोर्ट ना हमारी लोकेशन तक जा ही नहीं रही थी उस टाइम, तो हमें तो वहाँ पर काफ़ी टाइम वेट भी करना पड़ा। बहुत टाइम वेट करने के बाद ना फाइनली हमें एक ऑटो मिल गई, तो अभी तो हम उस पर चढ़ चुके हैं एंड अभी डायरेक्टली हम चले जाएंगे रूम।
एक तो बारिश की वजह से हम फंसे हुए थे एंड ऑटो से उतरते वक्त ना मेरी बहन का जो फोन है उसका जो स्क्रीन है वो भी टूट गया हाथ से गिर के, एंड ये मतलब पूरा दिन ही हमारा बेकार था। तो अभी जाके हमें सबसे पहले देखा तो बस टेम्पर ग्लास ही बस खराब हुआ था, तो उसे हमने ठीक कराया एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से हम फिर निकले। फोन वगैरह सब कुछ ठीक कराने के बाद हमने देखा ना कुछ और बारिश भी नहीं हो रही है, वेदर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था एंड हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पर पास में एक ना कैफे है तो हमने सोचा ना कि वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कुछ खाना वहाँ से खा के फिर हम जाएंगे रूम। इससे पहले भी ना हम बहुत बार इस प्लेस में आए हैं, एक्चुअली इनका ऑप्शंस थोड़ा लिमिटेड है बट बजट फ्रेंडली है एंड काफी टेस्टी ही रहता है, तो हमें तो काफी अच्छा लगता है तो इसीलिए हम आते हैं जब भी हमें मन होता है। हमने सबसे पहले किया चेक मेन्यू को एंड हमें तो ज़्यादा भूख तो नहीं थी क्योंकि वहाँ पर भी तो हम खा चुके थे, तो हमने बस एक चिकन बिरयानी मंगाया। चिकन बिरयानी जब तक हमने मंगाया, मीनवाइल हमने मम्मी से घर पे बात भी किया बिकॉज इस बीच में ना जो फ़ोन वगैरह जो इस तरह से हुआ बिल्कुल ही हमारा मूड ऑफ हो गया था, तो बात करते करते हमारा खाना भी आ गया है तो चलिए पहले अभी खाना खा लेते हैं। हम दोनों बहन को ना चिकन बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मुझे वेज बिरयानी भी अच्छा लगता है बट मेरी बहन को उतना पसंद नहीं है, तो हम यूजली जब भी बाहर जाते हैं ना तो हम चिकन बिरयानी तो हम ऑर्डर करते ही हैं। खाना खाने के बाद हम तो सीधे निकल गए घर के लिए एंड आज के लिए तो हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for joining us on this sweet food adventure in Siripur. We had a blast trying all the delicious dishes, but the unexpected twist made it even more memorable. Don't forget to like, share and subscribe for more fun and food-filled videos. Stay tuned for our next vlog. Explore clay handcrafts for beautiful handmade clay jewelry that adds charm to your style. And dive into Chocobite Klesh for tasty, creative, handmade chocolates. Elevate your look and treat your taste buds, all with the unique touch of Klesh.